दुनिया जैसी आज हम देखते हैं, हजारों साल पहले दुनिया ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। इस दुनिया के जीव भी आज से बिल्कुल अलग थे, लेकिन किसी कारण वह आज इस दुनिया से गायब हो चुके हैं। बहुत सारे विशालकाय जीव विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा विशालकाय जीव था, उसका जीवाश्म हमें प्राप्त हुआ। उसका नाम था मैमथ। यह बिल्कुल आज के हाथियों की तरह दिखता था, लेकिन यह आज के हाथियों के मुकाबले काफी ज्यादा शक्तिशाली और विशालकाय था। इसीलिए शोधकर्ता इसे आज के हाथियों के पूर्वज मानते हैं। लेकिन इनके शरीर में 2 से 2.5 इंच लंबे बाल भी हुआ करते थे। यह बाल इनको ठंड से बचाते थे, क्योंकि कहा जाता है शोधकर्ताओं के मुताबिक कि यह विशालकाय मैमथ की प्रजाति ने हिमयुग भी झेला है। इस विशालकाय मैमथ का वजन 6000 किलो तक होता था और इनकी हाइट होती थी 14 फीट तक। शोधकर्ताओं को इस जीव के बारे में तब पता चला जब रशिया में मैमथ का फॉसल उन्हें प्राप्त हुआ। उसके बाद उन्हें दुनिया के कई और देशों में भी इसके फॉसल प्राप्त हुए। शोधकर्ताओं के मुताबिक अफ्रीका से इनकी उत्पत्ति हुई और धीरे धीरे यह पूरी दुनिया में फैल गए। यह अपने समय के सबसे अधिक विशाल जीव हुआ करते थे, लेकिन फिर भी यह आज मौजूद नहीं है। क्या कारण रहा होगा इनके विनाश का? तो वहीं कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि यह प्राकृतिक घटना के कारण इस दुनिया से विलुप्त हो गए, तो वहीं कई शोधकर्ता मानते हैं कि इनके गायब हो जाने के कारण इंसान रहा होगा। इंसान ने अपनी जरूरतों के लिए विशाल मैमथ का भी शिकार किया। इनकी हड्डियों से इंसान ने हथियार बनाए और इनके दांतों का भी भरपूर इस्तेमाल किया। मैमथ के दांत आज के हाथियों के दांत की तुलना में काफी अधिक विशाल थे। शोधकर्ताओं के मुताबिक मैमथ आज से 10,000 साल पहले ही इस दुनिया से विलुप्त हो गए थे, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि यह अफ्रीका के कुछ भागों में 4,000 साल पहले तक जीवित थे। यह थी प्राचीन समय के एक विशालकाय जीव के बारे में कुछ मोस्ट अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।